One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. अरे गार्डन एक मिनट क्या हुआ था काम से बाहर जा रहे थे और क्या घटना कर्म हुआ था वो बताइए भैया एक बजे जेवर से चले हम एक डेढ़ बजे के करीब वहाँ पहुँच गए साबोता से आगे हाँ। उन लोगों ने पता नहीं क्या मारा गाड़ी के अंदर दोनों टायर पंचर हो गए ड्राइवर हाँ। साहब उतरे उन्होंने हम सब उतर गए फिर वो एकदम सारे जन आए हमें जंगल में खींच करके ले गए भैया उन्होंने हमारे सारे पैसे चीज पर सब छीन लिए और हमको मारा बहुत बेदर्दी से जब हमारा भाई यूँ कह रहा था कि हमें जंगल में दूर ले गए खींच के हमारा भाई यूँ कह रहा था भैया हम सब कुछ ले लिया तुमने हमारी औरतों की बेइज्जती मत करो तो भैया उन्होंने फौरन गोली मार दी उसमें मैं वो गोली बहन हूँ ड्राइवर साहब की घर वाली हूँ भैया हम सबको बहुत मारा हमारी बहुत बेइज्जती करी रेप किया था सबके साथ हाँ 50-60 साल की उम्र में ये कह रही थी भैया मैं तुम्हारी दादी से मानू मैं तुम्हारी माँ से मानू लेकिन जालिम फिर भी नहीं माने किसी को अपने पहचाना था किसी को जब हम निगाह ऊपर करते थे फौरन मार के नीचे निगाह कर देते थे हमारे भैया कल देखो ऐसा मारा ये रहा ऐसे ऐसे मारे सारे शरीर के लिए कल जब आपने तीन लोगों के नाम लिए थे क्या कारण था कि उनके नाम वो तो पता हवासी में ले गए थे भैया एकदम जब चारों तरफ से वो हो रहा था तो एकदम ऐसा कह दिया नहीं भैया हमने किसी को नहीं पहचाना मतलब आपके उनसे कोई पुरानी रंजिश थी जिसके चलते बदहवास में ना हमारी ऐसी कोई पुरानी रंजिश भी नहीं भैया जो बात है बस ऐसे ले दिया नाम आई समझ में अब भैया इंसाफ मिलना चाहिए हमें मोदी से भी योगी से भी जरा से बच्चे रह गए छोटे छोटे से इनका कोई कमाने वाला नहीं है ठीक तो उनको कुत्तों की तरह मानना चाहिए हमारे सामने और नहीं हम जा करके उस पे धन्ना दे देंगे और हम मर जाएंगे देखो मेरी कितनी उम्र है उन्होंने मेरे संग में भी कितनी बदसलूकी करी है हमें हर तरीके से इंसाफ चाहिए भैया छोटे छोटे बच्चों को इनका कोई नहीं है इनके ऊपर कमाने वाला कोई नहीं है अगर आपके सामने आरोपी आते हैं पहचान पाएंगे आप पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने हमारे मुंह नीचे करवा दिए थे मार मार करके अंधेरा था जंगल में बिल्कुल ना कोई रोशनी थी वहाँ कुछ नहीं था बस ठीक ये है भैया क्या हुआ था जिस समय आप बुलंदशहर जा रहे थे घटना क्रम बताइए बुलंदशहर जा रहे छह जने आए गोली लगा के इतना बुले गए इतना ले मार करी भैया तो भैया से पैसे लिए आदमी से पैसे लिए हम तो सब कुछ छीना मुंडे कैच लिए काम भी सारे सबके सब कुछ हम तो छीना छीन के लिए फिर तो भी बांध के डाल दिए कल आपने कुछ लोगों के नाम लिए थे क्या वो वारदात में शामिल थे और क्या कारण था कि उनके नाम नहीं नहीं कोई नहीं मेरा दिमाग सही नहीं मतलब बदहवास थे आप कल जो है अगर हम सामने आते हैं भैया हमारे कहने लगे ऐसा क्यों कर रहे हो जब सब कुछ ही जीत लिया दोनों का गोली मार दी और भैया के साथ बच्चे हैं दोनों का भी साथ नहीं है सामने आएंगे तो पहचान लेंगे नहीं सामने आओगे पहचानोगे ना नहीं हमारी निगाह ऊपर पूछते ही ना दे रहे मार मार के नीचे को निगाह करवाते रहे इतनी रोशनी हो रही थी वो पहचान कर सकते हैं ठीक है बस जितना पूछा है उतना जवाब इंसान मिला इंसान भी मिला वो मरते भी चाहिए भी चाहिए हेलो गोली मारी क्या मारा आगे चली बस गाड़ी नीचे उतर के आए आम के सब के सिरों पे हनों में कट्टे लगा दिए ले गए खेतों में वो आगे आगे हमें आगे आगे चलवाते रहे और पीछे पीछे चलते रहे
अलग उन लोगों से छीने, मेरे आदमी से, मेरे भतीजे से और मेरे भैयों से पैसे छीने, पैसे छीने का फिर हम पे हमला करा, हमारी चीज बस छीनी, हमसे पैसे लूटे। पैसे लूटने के बाद फिर कहने लगे बांध के डाल दो, हमारे रुपट्टे उतार के हमें नंगी खड़ी कर दी, रुपट्टे उतार के हमारे हाथ कर बांध के डाल दिए, उनके हाथ कर बांध के लिए डाल दिए। हमारा भाई कहने लगा एक घंटे तक उनके सामने बेइज्जती करते रहे। भैया कहने लगे ऐसे तू करते आके तुमने हमसे सब कुछ छीन लिया, तो हमारे सामने बेइज्जती कर रहे। अच्छा लगता तुम्हारे माँ बहना है कितने ही कहने दो, फट गोली मार दी। मेरा दिमाग ही सही ना था, कल मैंने क्या किया? कल ऐसी सिचुएशन नहीं थी आपकी कि जिसके चलते आपने उनका नाम लिया? रंजिश वंजिश कुछ नहीं थी सर, बस ऐसे ही नाम ले दिया बदहवासी में। कोई नहीं था उनसे, हमारा कैसे ही हो नहीं थी रंजिश, बस ऐसे ही कह दिया। आप जानते हो सर कि जब उम्र इतनी हो जाती है तो अकल भी वैसी ही हो जाती है इंसान की, और औरत की अकल कुछ और ही होती है। और पहली महिला पढ़ी लिखी भी नहीं होती है, देखो अगर काश हम पढ़े लिखे होते तो पुलिस इतनी देर में क्यों पहुँचती? अगर यही जो आपने नाम लिए थे ये आरोपी जेल जाते हैं तो क्या इनको आप जेल जाने पर समझेंगे कि आपको इंसाफ मिला या नहीं मिला? नहीं, ये तो हमारे निर्दोष हैं, इनको कैसे समझ जाएंगे? जले भी जाएंगे तो हम खुद जाकर के छुड़ा लाएंगे, ये तो निर्दोष हैं। तो महिला का साफ तौर पर कहना है कि जो तीनों के लोगों के नाम लिए गए थे वो बदहवासी में लिए गए थे, क्योंकि इन्हीं महिलाओं के सामने इनके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, साथ ही इन तीनों महिलाओं के साथ सामूहिक रेप की वारदातों को बदमाश ने अंजाम दिया था, जिसके चलते महिला इस कंडीशन में नहीं थी कि सही नाम जो है बदमाशों के वो ले सकें। फिलहाल महिला ने अपने जो है बयान पढ़ दिए हैं, तो उसके बाद देखना होगा क्या क्या वाकई पुलिस अब सही जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर पाएगी। कैमरामैन मनीष के साथ ताहिर सैफी, इंडिया न्यूज, जेवर, ग्रेटर नोएडा।